welcome back to my channel. I hope you all are doing well. और this video is all about my vlog. Like vlog हम अपने college के side से, St. Javis College के side से हमारे department को college tour पर ले जाया गया था. And this tour was all about like for 15 days. और हमने तीन जगहों को घूमा, गोवा, ऊटी और मैसूर. Although हम लोग बैंगलोर में भी एक दिन के लिए stay हमने किया था, बट वहाँ हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं. लाइक एक आध जगहों को देखा और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. लेकिन स्पेशली गोवा में हमने तीन दिन तक स्टे किया, मैसूर में दो दिनों तक स्टे किया और ऊटी में भी दो दिनों तक स्टे किया. और सबसे ज़्यादा टायरिंग तो था वो जो ट्रेन वाला सफ़र था ना यार, बाप रे पूछो मत. तीन तीन दिन, चार चार दिन हम लोग ट्रेन पर रहते थे. ऑल्दो इट वॉज क्वाइट टायरिंग और एग्जॉस्टिंग, बट इट टर्न आउट वेरी गुड. लाइक ये मेरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया. ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं बता नहीं सकती. फैमिली के साथ जाओ तो भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाओ, वो भी लाइक बंच ऑफ पीपल, लाइक देर वो 100 स्टूडेंट्स, 100 नहीं भी तो लाइक 90 और 85 स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे. और सोचो जब आप इतने बड़े ग्रुप में जाते हो, आप कितना इंजॉय करते हो वो ट्रेन की मस्ती, ट्रेन में रात रात भर जागना, अंतराक्षरी खेलना और भी क्या नहीं. ट्रेन का वो जो गंदा सा खाना होता था ना, वो भी लाइक बहुत अच्छा लगता था उस टाइम. तो चलो मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ. लेकिन मेरे से गलती क्या हो गई कि हमने तीन जगहों को घूमा ना, लेकिन मैं व्लॉग बना पाई केवल गोवा का. क्योंकि क्या हुआ, गोवा के बाद ना मैं भूल गई, मतलब मैं घूमने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं भूल गई कि अच्छा मैं व्लॉग भी बना रही थी. और फिर कुछ जगहों को मैंने कैप्चर किया, कुछ जगहों को नहीं किया, तो इट डिडंट टर्न आउट गुड. तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, गोवा है, गोवा को ही अच्छे से शूट करते हैं. और ट्रेन का सारा सफ़र भी मैंने शूट किया है. तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये हमारा टूर कैसा था, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. 1 मार्च को हमने ट्रेन लिया. ट्रेन 2.5 दिनों के बाद हम लोग ट्रेन से बैंगलोर पहुँचे. बैंगलोर में फ्रेशन अप होने के बाद, आधा बैंगलोर घूमने के बाद, लाइक शाम 4 बजे हमारी ट्रेन थी. बट ट्रेन वॉज लेट, तो 7 बजे हमें ट्रेन मिली गोवा की और हम ट्रेन पर बैठे. और सुबह में भी अगले दिन 11 बजे तक हम गोवा पहुँचे होंगे. तो ट्रेन का पूरा मस्ती तो मैंने कैप्चर नहीं किया है, लेकिन हाँ, जो दूधसागर फॉल जब हमने पहुँचा और दूधसागर फॉल से जो गोवा पहुँचने तक की जर्नी है ना, वो पूरा मैंने कैप्चर किया. तो चलो देखते हैं कैसे कैसे हमने ट्रेन में मस्ती की है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गाइस, तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सभी ट्रेन में हैं और हमने अभी अभी दूधसागर फॉल को लाइव देखा है. और आई विल इंसर्ट द वीडियो फॉर यू ऑल. और कुछ नहीं, ट्रेन में सारे लोग बूटिंग कर रहे हैं. ए सब इधर देखो, गोवा इज ऑन. इधर देखो, गोवा इज ऑन. बाय 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 बाय. सब करो बाय बाय. बहुत ठंड है यहाँ पे. कल बैंगलोर में हम लोग तो बहुत ज्यादा गर्मी थी और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है. देखो ठंडी लग रही. सूरज, संचिता, जया दी, ये देखो सब साफ सुथरे बच्चे हैं. हम लोग नहीं करते ब्रश. वो साफ मिट्टी में ना, वाटरफॉल साफ. ए नेचुरल ब्यूटी, थोड़ा दिखाओ. ए नेचुरल ब्यूटा, काला सेम नहीं दिख रहा है. अब दिखेगा. हाँ, मेरा फोन तो मुझे सुंदर बना दिया. आप दिखेंगे. चाय, दैट्स आवर सुबह की ट्रेन वाली चाय. सूरज कैसी है ये चाय? मस्त, ऑसम. नीतीश, बहुत बहुत. जयादी, जयादी स्नैक्स लाई है सबके लिए.
जा अनुराग, चाय कैसा था? यो बेबी, वी आर एट गोवा, वी आर फाइनली एट गोवा। तो हमने नहीं, हम गोवा पे आ चुके हैं ना? गोवा में आ चुके हैं। मेरा कारक बड़ा खराब है। हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं। और अनुराग क्या कहते हो? पहला व्यक्ति है जो गोवा उतरा है गोवा में। बोल अनुराग, पहला व्यक्ति है जो गोवा में अपना पहला कदम रखा। हाँ, गोवा पे अपना पहला कदम रखने वाला व्यक्ति। हाय कर। लाइका नील आर्मस्ट्रांग बोलो, राजेश शर्मा बोल के, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, हाँ वो सब बोलो, वो चलेगा। मैट गाओ, नहीं मट गाओ। फाइनली रीच गोवा। हाय बोलते जाओ। ये प्रीति नहीं आई है? प्रीति नहीं आई है? देखो एक बार देखे, हाय बोलो ना। हाय। चलो काम करो, काम पे लगाओ, अब हो गया। सब औकात पे आ जाओ अपना अपना। नीतीश हाय बोल, तुषार हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल सब। अभी हम लोग बस में हैं। तुषार से हाय। हाय प्रवीण, सोनाली। हेलो ब्रोस एंड सिस्टर्स, इधर आओ। इट्स गोवा टाइम एंड आई एम गोइंग टू गो। हाय हाय, वीडियोस के लिए कमेंट करना मत भूलना। चलो चलो चलो, गोवा इज अ गोवा इज अ बेचैनी। बाप रे, अनुराग गोवा पहुंच के, गोवा में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। ऑल्दो गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो इतनी ज़्यादा क्लीन है, इतनी ज़्यादा क्लीन है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी ना, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि मैं नहीं बता सकती हूँ। तो जब हमने रेलवे स्टेशन से हम उतरे, उसके बाद हमारे लिए बस की गई थी, और फिर बस से हम लोग अपने होटल के पास गए। और होटल में भी रूम अलॉट होने में थोड़ा बहुत समय लग रहा था, जिसके कारण हमें होटल में नीचे ही वेट करने को कहा गया। और देखो वेट करने के प्रोसेस में बाहर क्या क्या मस्ती हो रही है। This is our location. सूरज कैसा लगा? बहुत बढ़िया, इस मैनेजमेंट से हम खुश हैं। प्रीति, शालिनी कैसा लगा? बार भी है वहाँ पे। हाँ तो बार बार लेना है, देखना है, बार बार आना है यहाँ पे। अगेन एंड अगेन। ओए, कैसा लगा? ठीक है, बाहर है देखा, एक फॉरेनर ने पहन के आया, तो मैंने भी सोचा सुना ना, ये यूट्यूब पे जाएगा। He's our Preeti. Now we are introducing our Preeti. Preeti say hi. Hi guys. Kabir Singh, where are you? Hey Kabir Singh. Kabir Singh स्कूटी पे बैठा है। ओए कबीर सिंह से हाय। तेरी प्रीति, मैं दूसरा कबीर ढूंढ लिया। जाना। तो आपने देखा कि किस तरह इतना थके होने के बावजूद भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे जो बैचमेट्स थे, वो बिल्कुल भी नहीं थके हुए थे, कितने ज़्यादा जोशीले थे। और फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, हमें लाइक खाना नहीं, लाइक इट वाज ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट दिया गया। बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया गया था। एक कॉलेज टूर और कॉलेज पिकनिक के हिसाब से लाइक इसका इंतज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हमने खाना वाना खाया, खाना खा के बाद हमें रूम दिया गया, रूम में हम गए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हम लोग बीच देखने के लिए गए 2 घंटे के लिए। That is our breakfast. कैसा है? ये है लंबी लाइन। जी, 2 मेहनत करने के बाद खाना मिला। प्रीति, हम लोग जा रहे बीच पर 2 घंटे के लिए।
लिए ज्यादा देर के लिए नहीं, और मे बी कल या परसों हम लोग जाएंगे ज्यादा देर के लिए ना, कल तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पर, तो हम लोग वहाँ जो जो भी मस्ती करते हैं विल लेट यू नो, और आप लोग भी हमारे साथ चलोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि लाइक समंदर मैंने पहली बार देखा और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो लोग उन लोगों ने भी पहली बार ही देखा था, और हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि अच्छा शूट भी करना है, अच्छा व्लॉग भी बना रहा है। और पानी में फिर हम फ़ोन वगैरह लेके गए नहीं क्योंकि फिर लाइक फ़ोन को कुछ हो जाता तो बाकी सारे कुछ कैसे कैप्चर होते, फोटोज़ वगैरह कैसे आते। तो उसके बाद पानी से भींगने वींगने के बाद लाइक समंदर में नहाने वहाने के बाद लाइक इट वॉज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर हम लोग अपने होटल पे आए, होटल में आने के बाद हमने बाथ लिया, बाथ लेने के बाद हम लोग रेडी हुए, रेडी होने के बाद हमें फिर से लंच मिला, लंच के बाद हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। तो देखो विवेक कितना खा रहे हो, सब तो खा ही गए। स्वाति का भी आपका इधर कुछ नहीं खाई है, कैसा मुकेश? चिकन बहुत बढ़िया। निखिल बोल, टिप्पणी कर। बीच अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ हॉट है ना। गाइस आज हमारे गोवा का फर्स्ट दिन का और सेकेंड हाफ है, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लोकल मार्केट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोकल मार्केट्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो चलो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं एक्सप्लोर कर सकूँ आप लोगों को भी अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं रे, हम YouTube वीडियो बना रहे हैं, YouTube वीडियो बना रहे हैं। शॉपिंग्स वगैरह करना था हमने कर लिया, और अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बीच, हमारे जस्ट सामने बीच है और अभी हम जा रहे हैं बीच पर सनसेट देखने। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो इंसर्ट कर दूंगी बीच वाला, बाकी गोवा बहुत सुंदर है, लेट मी शो यू। शाम का सनसेट और अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। इधर देखना यस कैसी है, और अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल और अभी हम लोग डिनर करेंगे। डिनर ही है ना? यस हाँ, वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर और उसके बाद फिर शायद हम लोग आएंगे बाहर शॉपिंग को, तो उसके बाद फिर मैम आप लोगों को अपने साथ मार्केट ले जाऊंगी। यार यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है, स्किन देखो। यस ये बिना हाइलाइटर वाली स्किन है। Here it has doubled. See? I have applied highlighter, but देखो ना ये मतलब, but ठीक है, I'm loving it. जो भी है, जैसा भी है. But I'm not loving it. ये तेल का चलता फिर तक कुआं है. I'm seriously telling. ओए मेरे चंगू मंगू.
मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमें कहा गया था कि आप 7 बजे या 8 बजे तक सब कोई होटल में आ जाओ क्योंकि कुछ प्रोग्राम रखा गया है। तो हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर किया, बीच को देखा, बीच तो आपने देखा ही कितना खूबसूरत था। फिर हम लोग अपने अपने होटल में चले गए और लाइक वहाँ पर हमारे लिए इंतज़ाम था डांस करने के लिए लाइक। और हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें हर एक स्टूडेंट के अंदर ना डांस का कीड़ा है। मतलब हमें मौका मिले और हम नाचना चालू कर देते हैं, हम नहीं देखते हम कहाँ हैं, हम नहीं देखते हम किसके सामने हैं, कितने लोग हैं। वी जस्ट स्टार्टेड डांसिंग। और ये लाइक किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे लोगों का प्रॉब्लम यही है। और फिर हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने बजाए गए और हमने 2-3 घंटे कंटिन्यूसली डांस किया लाइक 2-3 घंटे डिनर करने के बाद। और फिर डांस करने के बाद हम सब अपने अपने रूम में जाते हैं। अपने रूम में जाने के बाद फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद हम इतने थके हुए रहते हैं कि हमें नींद आ जाती है। और लाइक नींद भी इतनी ज़्यादा आती है ना कि लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सोओगे। आलसी लोग खड़े होके भी नाच लिया करो कभी। मेरा ग्लो है देखो।